हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज, अर्न मनी, मोटिवेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, पब्लिसिटी आदि के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम ऑनलाइन नर्सरी शुरू करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन पौधे कैसे बेचें इस बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद कोई सवाल होने पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। अनेक लोग यह सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन पौधे बेचना कैसे संभव है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। हर छोटी बड़ी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है। एक क्लिक पर निर्धारित अवधि के अंदर कस्टमर के घर पर सामान पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में पौधे भी ऑनलाइन खूब बिक रहे हैं। अब बात आती है कि पौधों की ऑनलाइन बिक्री क्यों बढ़ रही है। पिछले कुछ समय से लोगों के पास पैसा बढ़ा है तो समय की कमी आ गई है, साथ ही मार्केट की दूरियां भी बढ़ी है। एक दो पौधे खरीदने के लिए जाने पर खर्च और परेशानी इतनी अधिक हो जाती है कि ऑनलाइन शॉपिंग उससे सरल और सस्ती होती है। वहीं दूसरी ओर एलिट वर्क ऐसा भी है जिनके पास खर्च करने के लिए अथाह पैसे हैं, जो इंटीरियर डेकोरेशन पर महंगे और विदेशी पौधे, काफ़ी पुराने रोशनी खरीद रहे हैं। इसके अलावा लोगों के सोच में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया है। लोगों में पेड़ पौधे के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वास्तु पर विश्वास बढ़ने से लोग अपने घर में छोटे बड़े पेड़ों को रखना व घर की सजावट में पेड़ों को शामिल कर रहे हैं। जिनके पास छोटा सा किचन गार्डन है वे मौसमी पौधों की डिमांड कर रहे हैं। देश में पौधों से लगाव सदियों से रहा है। भगवान की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने की परंपरा से लेकर अतिथियों के स्वागत तक में गुलदस्ते या बुके भेंट करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। गुलदस्ते या बुके प्रेजेंट करना फूल तोड़ना या उसे नष्ट करने को दर्शाता है। साथ ही यह भेंट बाद में अतिथि के लिए किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं रह जाती। ऐसे में यदि स्वागत के लिए एक छोटा सा पौधा भेंट किया जाए तो उसे कहीं ना कहीं रोपा जा सकता है। इससे हरियाली का भी विस्तार होता है, साथ ही इसकी अनिवार्यता आवश्यकता बन चुकी है। इसे थोड़ी गहराई और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से पौधे में खिला हुआ स्निग्ध फूल नई सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यही कारण है कि अब कंपनियां अपने मैनेजर्स की टेबल पर फ्लावर पॉट की जगह प्लांट रखने पर अधिक जोर दे रही है, जिससे पौधों की ऑनलाइन कॉर्पोरेट सप्लाई का बाजार भी खुल रहा है। वास्तु तथा लकी प्लांट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। चाइनीज बाम्बू, जिसे लकी बाम्बू के रूप में पहचाना जाता है, इसके अलावा तुलसी, पीपल, बरगद जैसे पूज्य पौधे की भी काफ़ी मांग है। अनेकों विदेशी इंडोर और आउटडोर प्लांट्स भी काफ़ी बिक रहे हैं। वास्तु तथा लकी प्लांट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। चाइनीज बाम्बू, जिसे लकी बाम्बू के रूप में पहचाना जाता है, इसके अलावा तुलसी, पीपल, बरगद जैसे पूज्य पौधों की भी काफ़ी मांग है। अनेक प्रकार के विदेशी इंडोर और आउटडोर प्लांट्स की भी खूब बिक्री हो रही है। यह तो रही ऑनलाइन प्लांट्स के डिमांड के बारे में। अब आते हैं पौधे की ऑनलाइन बिक्री कैसे करें। जिनके पास नर्सरी नहीं है या जो प्लांट्स तैयार नहीं कर सकते हैं, वे इस बिजनेस को कैसे करें। सबसे पहले वे इंटरनेट पर ऑनलाइन पौधों की बिक्री करने वाली वेबसाइट सर्च करें। वहां पर देखें किन किन पौधों की अधिक डिमांड है, उनके रेट क्या है। अपने शहर के नर्सरी में जाएं, वहां उन प्लांट्स के रेट के बारे में पता करें। पौधों की खरीदी के लिए नर्सरी वाले से अच्छे से बात कर लें, आप पौधे की ऑनलाइन बिक्री के लिए तैयार हो जाएं। आगे बढ़ने के पहले बता दें कि पौधों की कोई टैग प्राइस नहीं होती। आप 5,000 के पौधों को ऑनलाइन 10,000, 15,000 या उससे भी अधिक पर बेच सकते हैं। यह आपके मार्केटिंग पर निर्भर करता है कि आप किस पौधे को कितनी कीमत वसूल कर सकते हैं। ऐसे हर पौधे पर 30-50% तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए एक अच्छी सी वेबसाइट व ऐप होनी चाहिए। किसी प्रोफेशनल वेब डेवलपर से वेबसाइट व ऐप बनवाएं। इसका एक अच्छा सा डोमेन चुनें। डोमेन ऐसा हो जो ऑनलाइन पौधों की बिक्री की जानकारी देता हो, जैसे ऑनलाइन नर्सरी, लाइव नर्सरी, ऑनलाइन प्लांट मार्केट, नर्सरी गुरु, प्लांट योर डोर, ई गार्डन आदि डोमेन चुन सकते हैं। वेबसाइट के द्वारा आप सिर्फ प्लांट की ही नहीं, खाद, बीज, गार्डनिंग के औजार,
गार्डनिंग सर्विस, कॉर्पोरेट गार्डनिंग, इंडोर प्लांट की साफ सफाई व देखभाल, हाइड्रोपोनिक सर्विस एंड इक्विपमेंट सेल जैसी अनेकों सर्विस आदि भी दे सकते हैं। इन सब के द्वारा आप काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ऑनलाइन प्लांट्स हाई क्लास लोगों में बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसकी अच्छी कीमत भी उनसे ही मिलेगी, इसलिए इसकी तैयारी भी हाई फाई करें। अपने वेबसाइट की पब्लिसिटी पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए लोकल में सबसे अधिक बिकने वाले न्यूज़पेपर में विज्ञापन दें, खासकर इंग्लिश पेपर में एड पब्लिश जरूर करवाएं। प्लांट्स का एक अच्छा सा एल्बम बनाएं, किसी अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटो तैयार करें। इसे तैयार करने में भले ही अधिक खर्च आएगा, यह फोटोग्राफ आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इन फोटोग्राफ्स को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन फोटोग्राफ्स कैसे सेल करें, इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दौर में सोशल मीडिया बिजनेस की पब्लिसिटी का सबसे अच्छा साधन बन गया है। फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम आदि अन्य साइट पर आईडी बनाकर उन साइट पर अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे अपने वेबसाइट को प्रमोट करें। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ऑनलाइन नर्सरी शुरू करने के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस बारे में और अधिक जानकारी बिजनेस मंत्रा ब्लॉग पर दिया गया है। ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।